हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ माधव की रसोई में। और आज मैं आपको ऐसी एक करेले की रेसिपी बताऊंगी जो आप कहीं भी जा रहे हो, सफ़र में जा रहे हो, तो गर्मियों में करेले कभी ख़राब नहीं होंगे आपके। तो ऐसी रेसिपी बताऊंगी मैं, आराम से, आसानी से, बहुत इजीली इसको बना के पैक करके ले जा सकते हो। तो चलो बनाते हैं अपनी रेसिपी। तो इसके लिए हमारे पास हैं ये करेले। तो अब हम करेले क्या करेंगे, मैंने ये छील के इसके ऊपर नमक लगाया हुआ था और नमक लगा के मैंने इसको धूप में रखा हुआ था, आधा घंटे धूप में रखा है। अब इनको मैं काट लूँगी, मैंने काटे नहीं थे, इसको मैं काट लूँगी। इसको हम ऐसे ऐसे काटेंगे छोटे छोटे पीसों में। और ये हमारे करेले हैं, इनमें थोड़ा सा कोई बीज निकलता है, तो इनको आप पके हुए बीज हों तो इनको निकाल दें। तो ये रेसिपी बहुत अच्छी और स्वादिष्ट और लाजवाब, एक रोटी की बजाय आप दो रोटी फालतू खाएंगे। और ना इसमें मैं प्याज डालूंगी, बिना प्याज के करेले आप इजीली इसको महीने तक भी स्टोर करके रख लेंगे, तो आपके करेले कभी ख़राब नहीं होंगे और खाने में भी वही स्वाद, बहुत अच्छा स्वाद। जैसे आप कहीं सफ़र पर जा रहे हैं और आपको सब्जी ले जानी है, तो गर्मियों में आप आलू की भी सब चीज़ की सब्जियां ख़राब हो जाती हैं, करेले एक ऐसी चीज़ है कि कभी भी ख़राब नहीं होंगी। तो इनको हम काट लेंगे। ये हमने करेले धो लिए हैं, अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है इनको। अब हम क्या करेंगे कि एक बाउल में, कटोरी में हम मिलाएंगे, इसमें मिलाएंगे ये धनिया पाउडर, दो चम्मच है इसके अंदर धनिया पाउडर। और इसके अंदर हम डालेंगे नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार जितना आप खाते हो। और इसमें हम डालेंगे धनिया, सॉरी हल्दी और ये लाल मिर्च, क्योंकि मैं इसमें हरी मिर्च भी पीस चुकी हूँ, इसलिए मैं इसमें हरी मिर्च, लाल मिर्च कम डाल रही हूँ। और अब हम गैस पर चढ़ाएंगे कढ़ाई, कढ़ाई के नीचे जलाएंगे आग। इसमें डालेंगे हम ऑयल, इसमें हमने ऑयल डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, ऑयल हमारा गर्म हो रहा है और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, बस इसमें हम जीरा ही डालेंगे। और इसको जो हमने घोल बनाया है इसमें हम डालेंगे पानी, पानी से, और इसको हम चम्मच से इसका पेस्ट बना लेंगे अच्छे से। यकीन मानिए इतनी स्वादिष्ट ये करेले की सब्जी बनके तैयार होती है ना, एक बार आपने बना ली ना इस तरीके से तो प्याज खाना भूल जाएंगे, क्योंकि मैं बिना प्याज के बना रही। और इसको हम पकाएंगे, इसको हम अच्छे से पकाएंगे मसाले को। तो ये देखो हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, इसका पानी मैं जला चुकी हूँ। और इस मसाले के अंदर अब हम गैस को बिल्कुल कम कर देंगे और इसमें अब ये ऑयल आ गया। ये अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये करेलों को डाल देंगे, करेलों को अच्छे से चलाएंगे। और इसको मैं 10 मिनट के लिए ढक दूंगी। हाँ, तो ये देखो फ्रेंड्स 10 मिनट हो गए हैं अब हमारे करेले, तो हम इसको चलाएंगे। और जो हमारे पास में ये जो हमने मसाला मिक्सी में पीस के रखा हुआ है, इसमें क्या है, आम, कच्ची आमी है, सौंफ और हरी मिर्च, और ये करेले का जो ऊपर से निकलता है ये वो है।
तो ये हमारा करेले का है और इसमें सौंफ, हरी मिर्च और ये सारा पेस्ट मैंने इसमें मिक्स कर दिया और इसको मैं थोड़ी देर के लिए और ढक दूंगी। ढक के इसको फिर पकाऊंगी। वैसे ये बन चुके हैं करेले, बहुत अच्छे से गल गए। इसको आप स्टोर करके एक महीने तक भी चला सकते हो। कहीं भी जाना है आप ऐसे करेले बना के ले जाएंगे तो आपको सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आलू सब्जी या कोई और सब्जी नहीं चलती ना गर्मियों में, तो आप इस तरीके से अगर बनाएंगे तो आपके करेले कभी ख़राब नहीं होंगे। अब इसको मैं ढक के रख दूंगी 5 मिनट, फिर पकाऊंगी। 5 मिनट हो चुके हैं, हम करेले देख लेते हैं अपने। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है करेलों में, तो हमारे करेले बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुए हैं। और ये देखो, इनमें से तेल भी थोड़ा थोड़ा तेल भी नज़र आ रहा है। ये हमारे करेले बिल्कुल बनके तैयार हो गए सारी चीज़ें। और जो मैंने ये मसाला बाद में डाला है, इसका डालने का क्या रीज़न है कि हमारे करेले जो मैंने पहले तड़का लगा दिया था तो उसके बाद में मैंने इसको 10 मिनट पकाया था। पकाने के बाद में वो पेस्ट डाला है, तो पहले हमारे करेले पक चुके थे, उसके बाद में मैंने वो पेस्ट डाला है क्योंकि उसमें आमी थी, तो आमी की वजह से करेले हमारे टाइट हो जाते हैं अगर हम शुरू में ही खटाई डाल देंगे तो। इसलिए मैंने आम की वजह से इनको पहले नहीं डाला था पेस्ट को, बाद में पेस्ट को डाला है, तो ये हमारा रीज़न था। तो अब हमारी सब्जी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गैस को कर दूंगी बंद और इसको मैं उतार लूँगी नीचे परौठी के साथ। सफ़र में कहीं जा रहे हो तो ये वाले करेले आप महीनों तक ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, ऐसे आप करेले बनाएं। और बड़ों को सबको करेले की सब्जी, जो पसंद नहीं भी करते होंगे वो भी इस सब्जी को पसंद करेंगे। ये हमारे सूप के बिल्कुल एकदम सूप के अचारी करेले बनके तैयार हुए हैं। ये देखो, ये है हमारे करेले की रेसिपी, है ना एकदम लाजवाब। तो आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट्स, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसी के साथ सबको राधे राधे, फिर मिलते हैं एक और न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए सबको राम राम।